माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जो अपील आई है, मैं जिला निवासियों से यही अपील करूंगा कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें और पूर्णतः घर में रह करके इसका समर्थन करें, ताकि हम पूरी दुनिया से इस समय आइसोलेट होकर के इस पर नियंत्रण पा सकें। मेरा इतना ही है कि हमारे जो रेगुलेटरी वर्क करने वाली जो टीमें हैं संबंधित विभाग की, वो तो कार्यरत है। इस समय ये जरूरी है कि हमारी जनता, हमारे लोग पूरी तरह अवेयर हों, सक्षम हों और सशक्त हों, तो इन चीज़ों से बच के रहें, अफवाहों से, और जो भी व्यक्ति इस प्रकार की अफवाहें फैला करके कोई अराजकता फैलाने का काम करता है, तो हम उसका विरोध करें। इसमें बिल्कुल एसपी साहब से बात हुई है, अगर कोई इस प्रकार की कार्रवाई जिस वजह से हमारा कोई अमन चैन और किसी प्रकार का कोई क्राइम बढ़ने की आशंका होती है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। इसमें हमारी आईटी की जो टीम है एसपी ऑफिस में, वो इस पर लगे हुए हैं। ब्लैक मार्केटिंग आप लोगों को? हाँ जी, हमें कोई पर्टिकुलर शिकायत अभी तक नहीं मिली, और ये बताया गया था शाम को कि काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई है। हमारे दो एस्टेब्लिशमेंट जो काफ़ी बड़े बड़े मॉल हैं, गोदाम टाइप कह लो आप लोग, वो उस पर हमने अपनी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा सामान्य प्रशासन के अधिकारियों के साथ वहाँ भेजा गया। ये ठीक है, वहाँ आपका लगभग 30-40 लोगों का, 50 लोगों का भीड़ मिला सामान खरीदने वालों का, बट ये ऑब्जर्व किया गया कि कोई एक्स्ट्रा मात्रा में या कोई स्पेशल स्टॉक के पर्पज से कोई नहीं खरीद रहा है, और यहाँ तक खुफिया तौर पर कर्मचारी भेज करके, सीआईडी के आदमी भेज करके, खुफिया तंत्र के आदमी भेज करके ये पता करवाया गया, तो इसमें हमारा सामान्य चीज़ मिली। इसके साथ साथ ये इंश्योर किया गया कि सॉफ्टवेयर पे, उनके सॉफ्टवेयर पे जो रेट्स हैं हमारे सभी कमोडिटीज़ के, वो फीड करके उससे ऊपर सामान्य मार्केट में जो रेट चल रहे वही रेट पाए गए।